हाय दोस्तों, चलिए आज अभी गोल्डन टेम्पल का एक व्लॉग बनाते हैं। हम लोग तो दिन में आ गए थे अमृतसर, थोड़ा आराम आराम किए, फ्रेश हो गए, अभी गोल्डन टेम्पल के लिए निकल रहे हैं। मैं और हसन भाई ये रूम में, रियाज और संजय दूसरे रूम में, अभी अपने होटल रूम से निकलेंगे, रिक्शा करके यहाँ से जाएंगे क्योंकि गाड़ी पार्किंग का दिक्कत होती है वहाँ पर, तो कार यहीं छोड़ देंगे, बोलेंगे फिर गोल्डन टेम्पल में क्या क्या है, कैसे कैसे आपको दिखाते रहेंगे और चलते रहेंगे। चलिए भाई का शौक देखो, घोड़े के साथ उनको फोटो लेना है, बोले मैं ज्यादा खूबसूरत की घोड़ा ज्यादा खूबसूरत, ये हम लोग चेक करना है। हसन ये रिक्शा में बैठ के हम लोग जा रहे हैं। गोल्डन टेम्पल की एंट्री है, गोल्डन टेम्पल का कॉरिडोर है, यहीं से एंट्री होती है। वो बोर्ड कैसे लगाए हुए, ठीक है, सबके बोर्ड एक जैसे बने हुए, यहाँ का स्टाइल है जो बोर्ड देख रहे हो वो कैसा लग रहा है। वो चीजें मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि शॉप किसी का भी हो लेकिन एक लग रहा है कि एमसीडी और इसके एक रूल्स है, यहाँ की जो कॉर्पोरेशन की बॉडी है, कॉर्पोरेशन बॉडी लग रही है कि यहाँ पे बोर्ड की जो सिस्टम है और डिजाइन है सब एक साथ। मैकडॉनल्ड्स भी है, उसका भी बोर्ड वैसी है, डेफिनेटली वैसे ही। हमने वो देखा, डोमिनोज देखा, वो भी ऐसे था, सामने बरिस्ता है, बड़े बड़े ब्रांड्स है लेकिन सबका बोर्ड एक जैसा ही है, बोर्ड किसी को अच्छा नहीं, किसी को मतलब ये अनवांटेड वो ना मिले कि भाई एक आदमी का बोर्ड बहुत अच्छा है, एक आदमी का वो। देखिए सामने आ गया जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग का बैक एंट्रेंस है जिनमें यहाँ से भी एंट्री होती है, पीछे से भी एंट्री होती है। ये सामने जलियांवाला बाग है, उनके देखिए नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, मणिलाल, भगत सिंह, ज्ञानचंद, वीर सिंह, हुकुमचंद, मोहनलाल, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद दीन, निहाल सिंह, हर भगवान, सुनने वाले भाई, सामने आपको चलो गोल्डन टेम्पल का एंट्री गेट है, मतलब स्मारक है ये, यहाँ से एंट्री हो रही है। ये बैक एंड है ना, ये है जलियांवाला बाग जो 1919 में आज़ादी की मुहिम में, जलियांवाला बाग में जो गोलीकांड हुआ, जनरल डायर ने जो करवाया था वो यही वो जगह है। इसमें बहुत सारे लोगों की स्टैचूज बनी हुई है। ये हम लोग गोल्डन टेम्पल के जस्ट साथ में ये ग्राउंड है जलियांवाला बाग अपने लिए। मॉर्निंग 6:30 को खुलता है जलियांवाला बाग और इवनिंग 7 o'clock तक रहता है, तो हम लोग 20 मिनट पहले पहुंच गए, तो 20 मिनट में जलियांवाला बाग में जो जो देख सकते हैं देखेंगे। मेन तो वो कुआं देखना है और जहाँ शहीद हुए थे, अपनी जान बचाने के लिए उसमें छुपे थे वो लोग, वो देखना है, और जनरल डायर का वो 1919 का स्मारक तो बहुत अच्छी बनी हुई है। उस तरफ है वेल, चलते। इसकी सबसे अच्छी चीज़ें जो मुझे लग रही है, इन लोगों ने हिस्टोरिकल चीज़ों को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और विजिटर्स के लिए एक अट्रैक्शन का प्लेस बनाया है। हम लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली में बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं लेकिन ये सिस्टम नहीं देखा मैंने जो यहाँ पे इन लोगों ने मेंटेन किया। अब यहाँ जलियांवाला बाग के अंदर यहाँ पर लेजर शो होने वाला है 10 मिनट के अंदर, अब वो प्रोग्राम देखेंगे हम लोग, आगे जाने दिया जा रहा है। तू आंसुओं की भुख निकल इस निहाल से,
उस विसाखी दे दिन जो लोग की इस बाग में शहीद हुए सन, वो न सिख सन, न हिंदू, न मुसलमान। उस विसाखी खून न लथपथ होया सी पूरा हिंदुस्तान। 13 अप्रैल 1919 एतवार की सवेर से पंजाब की धरती से आने वाले सब तो खूबसूरत दिन की सवेर, जब सारा पंजाब विसाखी दिया खुशियां मना रहा है। ठीक उस दिन कांग्रेस के नेतावां ने जलियांवाला बाग में शामी 4:30 बजे एक सभा करन विच इस नुहार दिंदे हुए निकलिया। जलसे करण से रोक लगा देती है क्योंकि सरकार ने मार्शल लॉ लगाने का कोई ऐलान नहीं करवाया सी। तकरीबन दोपहर 12:30 बजे के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली। और यहाँ मिल रही है, बाकी और कहीं मिलती है? ये एग्जिट है जलियांवाला बाग का एग्जिट। आओ सर, रूम होटल कमरे। जलियांवाला बाग से हम लोग बाहर आ गए और अब यहाँ से जैसे लेफ्ट लेंगे सामने आपको गोल्डन टेम्पल दिखेगा। ये सब यहाँ की मार्केट है, शॉप देखिए हर चीज मिल रही है, सुविधाज है ये थोड़े सामने कपड़े चप्पल की दुकान। ये इसका ये है गोल्डन टेम्पल, तो थोड़ा आगे जाके आपको अंदर से दिखाएंगे। ये प्राचीन शनिदेव मंदिर है बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के सामने। ये गोल्डन टेम्पल की एंट्री है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर पानी की सेवा होती है और उसके बाद फिर चप्पल या जूते आपको रखने हैं तो वो और आप रख सकते हो। दोनों दिखाता हूँ आपको, देखिए निःशुल्क जूते घर लिखा हुआ है, आगे जूते रखे जाएंगे आपको दिखाऊंगा वो भी। जाते हैं वो यहाँ पर धो के रखे जाते हैं, देखिए फ्री बैगेज रूम और फ्री जूते रूम। अगर ज्यादा क्वांटिटी में शूज है तो इस तरह आप उसको थैले में डाल के दे सकते हो। इस तरह का टोकन मिल जाता है, यहाँ आप अपना जूता जमा करा दीजिए। सब सेवाएं कर रहे हैं यहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज, फ्री शू डिपॉजिटिंग विंडो, सब जूता वगैरह सब कुछ फ्री है। पर आएंगे तो पहले तो आपको सर ढक लेना है, आपके पास कपड़ा हो तो सर ढक लो, या तो यहाँ पर बहुत सारे रुमाल मिलते रहते हैं, बिकते रहते हैं, पड़े रहते हैं, आप उठा लो उसको पहन लो क्योंकि इनका एक ट्रेडिशन है उसको फॉलो करना है। ये आपका जो पूरा प्रमाइस है उसका मेन गेट है, ये गेट पे एक पानी की लेयर होती है जो इनका मानना है कि आपको पाँव धो के अंदर जाना है, तो वहाँ से पाँव धोएंगे फिर आप क्रॉस करके अंदर जाओगे। अंदर शायद वीडियो बनाना अलाउड है लेकिन अदब से, तो मैं अदब से बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा ये सब ऐसे पांव धो के अंदर जा रहे हैं।
सामने गोल्डन टेम्पल आपको दिख रहा है, गेट से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे पाँव धोते हैं लोग क्योंकि जो भी गंदगी हमारे पाँव में लगी होती है वो साफ होकर अंदर जाए, ये मेन रीज़न है। यहाँ पर पाँव धुला के अंदर भेजा जाता है। तो फिर अंदर गोल्डन टेम्पल का जाएंगे हम। ओह क्या लग रहा है गोल्डन टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखते ही इसकी सुंदरता बन रही है। देखिए यहाँ से लाइन लगा के आपको वो सामने देखिए गोल्डन टेम्पल के अंदर जाने का जो रास्ता है वो उस तरह आपको होके जाना है। और ये आपका मेन गोल्डन टेम्पल है, पूरा सोने का बना हुआ, इसको स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। और लोगों का आप देखेंगे इस तरह से लोग जा रहे हैं अंदर, ये देखिए ये सब लोग चल के अंदर अंदर आराम आराम से जा रहे हैं। और अंदर ग्रंथ साहब रखी हुई है, वो देखते हैं फिर यहाँ से बाहर निकलते। ये इसका दूसरा साइड है, यहाँ पर आपको जो लंगर चलता है डेली का दिन रात सब टाइम पे वो यहाँ पर सर्व होता है, वहाँ भी आपको लेके जाएंगे, उसका भी दिखाएंगे। ये वो वाली बिल्डिंग है जिसके पीछे लंगर हॉल है, देखिए ये राइट साइड में जो दिख रहा है इसके पीछे लंगर हॉल है बिल्कुल। और ये पानी बहुत पवित्र है, बहुत सारे लड़के और बहुत सारे लोग इसमें स्नान भी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखिए राइट साइड में यहाँ पर भी कुछ है, ये देखिए लंगर हॉल लिखा हुआ है दिस साइड, आपको इधर आगे जाना है। इधर भी आपको पांव धो के जाना है क्योंकि आपको बैठ के ज़मीन पर खाना है तो पांव साफ होना चाहिए आपका। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको प्लेट्स चम्मच अपना बर्तन खुद लेके जाना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पहले हाथ में आपकी प्लेट दे दी जाएगी, फिर प्लेट के बाद आगे आपको चम्मच और कटोरा दे दिया जाएगा पीना, और फिर आप ऊपर की तरफ जाइएगा। देखिए यहाँ पर आपको प्लेट सब धो के रखी रहती है, सब सब सेवाएँ कर रहे हैं, आप भी अपनी सेवा दे सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये हॉल है जिसमें आपको लंगर खिलाया जाएगा, तो यहाँ पर अंदर ज़मीन में बैठना है। हम लोग भी अंदर जा रहे हैं, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये बिछा हुआ है, इस पर आपको बैठ जाना है सामने अपनी प्लेट रख के। तो ये सिस्टम है, आप क्या खाने में रहेगा चलिए आपको डिटेल में दिखाएंगे और टेस्ट भी कैसा है वो भी बताएंगे आपको। ये हम लोग बैठ गए, हमारे को प्लेट साथ में कटोरा चम्मच सब मिला है नीचे से, और अब खाने में क्या आता है वो दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये रोटी दे रहे हैं, रोटी असल में ये हाथ में टच नहीं करते कि हाथ से हाथ टच ना हो। साथ में देखिए दाल दे दी इन्होंने, यहाँ खीर भी दी है। तो अब मैं अगर खाने में देखूँ तो ये मेरे पास रोटी है, देखिए रोटी है, दाल है, खीर है और ये चावल है, साथ में एक सब्ज़ी भी दी थी उन्होंने। देखिए हम ये खा रहे हैं, अगर टेस्ट की बात करूँ तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही स्वादिष्ट था, ज़रा से ज़्यादा मसाला नहीं था और काफ़ी पब्लिक बैठ के खा रही थी। अच्छा ये देखिए ये मशीन थी, इनकी जुगाड़ की मशीन बनाई हुई थी जिसमें से पानी सर्व करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके की मशीन थी। ऐसे ऊपर बटन दबाते हैं बाइक की तरह हैंडल की तरह और आपको पानी वहाँ पर ही सर्व कर देंगे। देखिए हर जगह ये पानी वाली मशीन चलते रहती है। खाली प्लेट लेके आपको अब नीचे जाना है और वहाँ जमा करना धोने में। सिस्टम देखिए कितना परफेक्टली चल रहा है। जमा करेंगे, अब हमारा खाके हो गया, खाली प्लेट हमको और ग्लास जमा करना है, यहाँ पर धोने वाला सिस्टम होता है। देखिए रोटी बन रही है, इधर यहाँ सेवा करते रहते हैं सब लोग। ये देखिए नीचे ये बर्तन धोने वाला घर है, यहाँ पर आपको जो बर्तन आप ऊपर से खा के लाए इसको आप देना है। पहले एक जगह चम्मच हमारे से ले लिया था, अब यहाँ पर कटोरा और प्लेट यहाँ पर ले रहे हैं, सब चीज़ मिक्स ना हो जाए और कोई खोना है, इसलिए सिस्टम मेंटेन किया है, सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। अब हमारा लंगर खा के हो गया, चलिए बाहर चलते हैं। हसन भाई हमने भी यहाँ पर लंगर खाया, बेटी को ये बताओ इसका स्वाद कैसा था? खाना बहुत अच्छा था, बेसिक टेस्ट, ज़्यादा नहीं, पेट भी खराब नहीं, हाँ ऑयली भी नहीं और स्पाइसी भी, हाँ। और सिस्टम के बारे में क्या बोलोगे? जैसे ये
पहले यहाँ प्लेट से चम्मच कटोरा मिलेगा, उसके बाद ऊपर वहाँ सिस्टमेटिक ढंग से बैठना, और उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज जो है ना चावल ने डाला, उसके बाद रोटियां डाली, अलग से बॉल था उसमें पानी, पानी की मशीन जो इन्होंने बनाई है नॉर्मली सर्व करने के लिए वो बहुत बेहतरीन थी, और बार बार लोगों का, और एक और अच्छी चीज़ ये थी कि इन्होंने खाने में मीठे का इंतज़ाम भी किया, जो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। और एक चीज़ आप सिस्टम सफाई हाइजीन ये बहुत अच्छी, बहुत अच्छी क्वालिटी। और एक चीज आपने और देखी कि किसी चीज को हाथ नहीं लगा रहे थे, ना आपकी प्लेट को ना खाने को, लंबे लंबे चम्मच थे। जब मैं खाने के बाद, जब उठने के बाद जो अपने प्लेट, अपने जूठे प्लेट लेके उठना है, वो भी बहुत ही अच्छा कि उसका रिसीवर जो है ना पहले चमचा अपनी तरफ ले रहा है, बॉल अपनी तरफ ले रहा है, फिर प्लेट लेके, और जो सिस्टमेटिक देखी सफाई की रैपिड फायर एक्ट वो बहुत अमेजिंग। और कितने देर में हम लोगों ने खाना खाया? मेबी हम लोगों ने प्लेट लेने से प्लेट डालने तक में हम लोगों ने शायद 15 मिनट, 10 से 10 मिनट, 9 से 10 से 15 मिनट मेरे ख्याल से। और ये सिस्टम हम सबको सीखना चाहिए, जो भी इस तरह का बड़े लेवल पे काम करते हैं, खाना खिलाते हैं या वो करते हैं, सबको सीखना चाहिए यहाँ पर आके, एक तो सेवा करने का भाव और इस तरह सिस्टमेटिकली इसको प्रोसेस करना, ये सीखना चाहिए। और गोल्डन टेम्पल से बाहर, हम लोग गोल्डन टेम्पल से बाहर आ चुके हैं, ये देखिए इसके बाहर के जो एरिया है वहाँ खड़े हैं। बेसिकली एक चीज़ हमने नोटिस की, एक तो खाना बहुत ही बेसिक और बहुत ही टेस्टी था, आपकी कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा खाना था। बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने आप देखी हो वीडियो में, उससे पेट भी काफ़ी भर गया, प्लस एक एक्सपीरियंस अच्छा है। जब भी आप अमृतसर आते हैं, गोल्डन विजिट करते हैं, तो लंगर ज़रूर खाइए, फूड के लिए नहीं, एक एक्सपीरियंस के लिए, एक पता करने के लिए क्या सेवा भाव से खिलाया जा रहा है, कितने सिस्टमेटिकली काम हो रहा है, वो सबको नोटिस करिए, वो सबको देखिए, और ज़रूर यहाँ पर आए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें बोल दो हसन भाई? प्लीज़ अगर इनकी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि थैंक यू वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।